सो गाइस अल्हम्दुलिल्लाह से एग्ज़ाम हो चुका है और आज की दाल और इधर चने की दाल इनको बनाएंगी, जब मैं आगे बनाऊंगी इंशाल्लाह आपको दिखा दूंगी, खाने में आपको दिखा दूंगी, उसके बाद सब मोबाइल वगैरह। सो गाइस बच चुके हैं सुबह के 12 और आज है मेरा दूसरा एग्ज़ाम। सो वेलकम बैक टू आर न्यू ब्लॉग, आपका स्वागत है। इसमें तो नहीं हो पापा अच्छे नहीं करें सुनिए अलहमदिल्ला हम सब ठीक है, तो नहीं चाहे पे लाइक करें सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल पर जाना ना बोले तो करते हैं आज का ब्लॉग स्टार्ट। तो आज का ब्लॉग हो रहा है जैसे आपने लास्ट टाइम देखा था, हम एग्ज़ाम देने गए थे और माशाल्लाह आप लोगों ने उस ब्लॉग को दिया खूब सारा प्यार, ऐसे ही प्यार देते रहें। इधर हयात की पहले से बेहतर है, तो जिन लोगों को पता नहीं उन्हें बता दूं हयात काफ़ी टाइम से सफ़र कर रही हैं टाइफाइड से, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब ठीक हैं, शी इज़ फाइन। तो आप लोग बाकी दुआ करते रहे, इसलिए हम लोग व्लॉग नहीं कर पा रहे थे, हयात की काफ़ी वक्त से तबीयत ख़राब हो रही थी। ये हमारे हैं हो गए हाँ, तो कौन है ये कौन है चले बाहर हाल, और इधर मैं तैयारी कर रही हूँ ब्रेकफास्ट की। इधर मैंने इतने बुरे हैं, इतने बुरे हैं ना गाई जी, इन्हें पता है मेरा एग्जाम है, मेरे एग्जाम में एक कप चाय, इस इंसान ने मुझे एक कप चाय तक नहीं दी। चाय क्या होती है, मैं सब खुद कर दूं, मतलब मेरे को इतना सा सपोर्ट नहीं करते। क्या कर रहे हो तुम, ये कंकर भिन्ना हूँ, ये देखिए आपके आपका टाइम बच जाए, मतलब ये चीटिंग करता है तू, चीटिंग 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 करता है तू। चलो मैं बनाती हूँ ब्रेकफास्ट, आज अंडा बना रही हूँ और चाय बना रही हूँ, क्योंकि पिछली बार मैं सिर्फ चाय पी के गई थी, मुझे लग रही थी वहाँ पे बहुत ज्यादा भूख। हमने तो कहा था आपसे, आपने कहा नहीं सिर्फ चाय, असल में मुझे खुद करना पड़ता है ना बनाना, आप बना के देते तो मैं खा लेती। मैं बना दूंगा उसमें कौन सी बड़ी बात, पार्टी बदल लिया साला, क्या दिया है कब दिया है, हर बार दिया है। अरे चलो चलो चलेंगे इस बनाते हैं, ये तो इधर मैं ना डिनर की प्रेप कर रही हूँ क्योंकि आगे हिम्मत नहीं है, तो मैं भी धो के जा रही हूँ। यहाँ पे दलिया आज मैं बनाने वाली हूँ, लाइक वाला दलिया, हलीम टाइप दलिया, मतलब हलीम टाइप दलिया है ये। तो इसमें मैंने ना ये तीन चीज़ें भी भिगोई हैं, जो जो मुझे अवेलेबल था, आप पे और कुछ दालें हैं तो आप वो भी डाल दो। फिलहाल इसमें दलिया है नॉर्मल कुटा हुआ और मूंग की दाल और इधर है चने की दाल, इनको बनाएंगी, जब मैं आगे बनाऊंगी इंशाल्लाह आपको दिखाऊंगी। सो गाइस अल्हम्दुलिल्लाह से सफाई वगैरह हो रही है, हो चुकी है और हम निकल रहे हैं एग्ज़ाम के लिए, एक बजे दो बजे एग्ज़ाम है, चलो लेट्स गो। सो गाइस आ गई हूँ मैं, इधर मुझे हस्बैंड छोड़ देंगे, बाय। सो हस्बैंड ने मुझे छोड़ दिया है और अब हम जा रहे हैं अपना एग्ज़ाम देने के लिए, हस्बैंड को काम है, वो मुझे लेने आ जाएंगे, इफ नहीं आ पाए तो मुझे खुद जाना पड़ेगा, लेट्स सी कैसे जाते हैं। देखो सब बच्चे माशाल्लाह से आए हुए हैं, सबके एग्ज़ाम्स हैं, सबसे पहले चेक करते हैं कि हमारा कौन सा हॉल पड़ा है इस बार, पिछली बार तो 4 पड़ा था, लेट्स सी कौन सा पड़ता है। गर्मी इतनी शदीद है कि मैं भूल गई, मैं कही थी हस्बैंड से बारबेक्यू हो गया, टिक्का बन गया, इतनी गर्मी इतनी गर्मी। तो उससे मेरा क्या फ़ायदा, मुझे क्या मिल रहा है, मुझे क्या दे रहा है, उससे मुझे क्या फायदा हो रहा है, मुझे ये समझ नहीं आ रही, मुझे कोई कमेंट तो करके। धूप ऐसी लग रही थी स्कूटर पे बहुत ज्यादा, इधर चेक करते हैं अपना कौन सा आया है, मिल चुका है मेरा हॉल नंबर, रो नंबर 4, हॉल नंबर 2। क्लास बिल्कुल खाड़ी पड़ी है, मैं बहुत पहले आ गई, मेरा रो नंबर कौन, रो नंबर 4 है, सीट नंबर 10 है मेरा। चलो अच्छा इस बारे में आपको दिखा भी दूँगी, उसके बाद सब मोबाइल वगैरह सब बाहर रखवा देते हैं और 2 बजे एग्ज़ाम है, तब तक मैं थोड़ी सी रिवीजन कर लेती हूँ। सीट नंबर 10 मेरी सीट है। 2000 years later। सो गाइस अल्हम्दुलिल्लाह से एग्ज़ाम हो चुका है और आज जो था 2 घंटे का पेपर था, इसलिए मैं जल्दी फारिग हो गई, अभी 3:30 ही बज रहे हैं, 4 बजे तक का था, 2 से 4 का, मैं 3:30 बजे फारिग हो गई क्योंकि मैंने कर लिया जल्दी, धूप बहुत तेज़ हो रही है,
हस्बैंड से बात हुई है तो हस्बैंड नहीं आ पाएंगे, तो उन्होंने कहा थोड़ा सा एडजस्ट कर लो। तो दिस इज़ माई फर्स्ट टाइम जो मैं यहाँ से जा रही हूँ। पिछली बार तो मेरे घर से बहुत करीब था सेंटर, तो मैं वहाँ से एक बार रिक्शे में आ गई थी, तो आज मैं खुद से ऑटो कर कर आऊँगी। तो लेट्स सी, हर चीज़ एक्सपीरियंस करनी पड़ती है, और ऐसा नहीं है कि लड़कियाँ कुछ कर नहीं सकती, लड़कियाँ बहुत कुछ कर सकती हैं, बट इफ़ दे आर इन देयर लिमिटेशंस। तो अल्हम्दुलिल्लाह से हस्बैंड भी कोऑपरेट करते हैं, तो मैं भी उनके साथ कोऑपरेट, मतलब मैं चाहती तो कहती नहीं मुझे लेने आओ एंड ऑल, बट मैंने कहा नहीं, आई विल एडजस्ट बाई माई सेल्फ, आई एम एजुकेटेड पर्सन एंड आई नो कि क्या चीज़ कैसे कैसे संभालनी है। फिलहाल सांस फूल रहा है, अभी ऑटो उन्होंने मुझे तो बता दिया था कि कहाँ से लेना है, तो चलें चलते हैं। सो गाइस, यहाँ मेरा है सेंटर, और जो मैं यहाँ खड़ी हूँ ये जो है ना मेरे हस्बैंड की मैम है, यास्मीन फारूकी मैम, तो उनका बंगला है ये, जो अब मूसा की भी मैम है, मूसा की क्लास में है। तो मैंने सोचा हस्बैंड को दिखाने के लिए ये बना लूँ, बहुत प्यारा है। पहले मेरे हस्बैंड आते थे शायद यहाँ ट्यूशन पढ़ने के लिए, मेरी नंद वगैरह। चले यहाँ से थक गई, चलते चलते, गर्मी भी बहुत हो रही है। यहाँ पे ऑटो है, ऑटो वाले से पूछती हूँ। चल रही भैया, मिलके खाएंगे, मम्मा भी भूखी हैं बहुत। तो गाइस रात के 8 बज गए हैं, इतना होने का रेस्ट हो गया, बाकी घर में के कामों में लगना होता है। इधर मैं देखूँगी सब पैक के आएंगे, मैं बहुत अच्छे होते हैं इनके ब्लॉग, आप देखना चाहे तो आप भी देख सकते हैं, आईडी में मेंशन कर दूँगी। और इधर जो मैं दलिया भिगो के गई थी, मतलब दलिया का सामान वगैरह, उसके लिए मैंने ये रॉ कटिंग जो सामान है, रॉ जो उसमें डलना है वो है, उसमें मैंने प्याज ये बिल्कुल बारीक स्लाइस हुई थी, जिससे स्लाइस होती है, हरा धनिया, हरी मिर्च, अदरक, टमाटर, आप जब बनाएंगे दिखाएंगे आपको। सो गाइज, मैं बिल्कुल बिल्कुल मेरे जहन से निकल गया रेसिपी शूट करना, अगर आपको चाहिए तो प्लीज़ कमेंट कर दें बाहर किस तरीके से बनाया हमारा दलिया कुछ, और हस्बैंड बताएंगे टेस्ट करके। और हाँ, मेरे पापा ने ना ग्लास में शूट कॉर्न बनाया है, इनके पापा भुट्टा जो लेकर आए थे उसे काट के इसमें डाल के शूट कॉर्न बनाया उन्होंने, जो कि हाथ को अच्छा लगा है ना। तो आप भी खाओ। और आपको कैसा लग रहा है जबकि बीवी खुद आ गई, इंडिपेंडेंट हो गई है? सच में, लेकिन मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा ये, मुझे लेने नहीं आए, लेकिन कोई बात नहीं, कभी कभार हाँ होता है। चले जब ये टेस्ट करेंगे मैं आपको दिखाती हूँ। तो गए थे ना अल्हम्दुलिल्लाह, नहीं अब तो मैं चली भी जाऊंगी खुद। ये अच्छा है, गुड। तो इधर बच्चे जो हैं अपनी बाइक को कर रहे हैं साफ, आया मूसा अच्छे से चमकानी है, ठीक है। इधर हस्बैंड इंजॉय कर रहे हैं अपना, एक सीरीज स्टार्ट करी उन्होंने, क्या नाम है सीरीज का? हेलो हेलो, सीरीज का नाम सुल्तान सलाउद्दीन अयूबी। सुल्तान सलाउद्दीन अयूबी। सो इसी के साथ हम लोग करते हैं आज के ब्लॉग को एंड, होप आपको ब्लॉग अच्छा लगे, अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं आप इंशाल्लाह नेक्स्ट ब्लॉग में, थैंक यू वॉचिंग।